भेड़िये के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों से जंगली जानवरों के हमले की कई खबरें सामने आई हैं। लखीमपुर खीरी हरदोई बहराइच झांसी इन जिलों के कई गांव में दहशत फैली हुई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी घटनाओं पर चिंता जताई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बहराइच में भेड़िया तो अलग अलग जिलों में तेंदुआ सियार जैसे जंगली जानवरों की दहशत भी देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों का दावा है कि दो भेड़ियों ने घर में घुसकर बच्चों पर हमला कर दिया, लेकिन वन विभाग ने भेड़िये के हमले से इनकार किया है। वसलीपुर हमारे स्टाफ को वहां भेज के पता किया गया तो वहां भेड़िये का ऐसा कोई गतिविधि नहीं है। हाँ, हो सकता है कि शायद सीआर की गतिविधि हो, और वो जैसे बच्ची को भी हम लोग चेक किए थे, वो बिल्कुल मामूली चोट है। तो ये जैसे मानसून के सीजन में कुछ कुछ सीआर भी ऐसे हो जाते हैं, रेबीज वेबीज के चक्कर में भी थोड़ा संक्रामक होता है। भेड़ियों के आतंक के बीच अमरोहा में तेंदुए की दहशत बरकरार है। तेंदुए का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें तेंदुआ जानवर को मुंह में दबाकर ले जाता नजर आ रहा है। नौगावा सादात के गांव बांसखेड़ी का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों में दहशत है। प्रतापगढ़ में 26 साल बाद भेड़िये की दहशत लौट आई है। गांव वालों का दावा है कि घर में बंधी दो बकरियों पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। एक को खा गया, जब दूसरी पर हमला किया तो लोग जग गए। इससे पहले प्रतापगढ़ में 1996 में भेड़िये का आतंक देखा गया था, जब दर्जनों बच्चों को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया था। देखा तो एक तो खा लिया था, दो जुटे थे उसमें, दो खा रहे थे और उसको गला पकड़ रखा था। तो उसके बाद आने के बाद भागे, वो दोनों भागे तो जैसे देखा गया तो एक और खड़ा था वहाँ, तीन को देखा, तीन थे कुल। हाँ, तीन थे। स्पष्ट रूप से नहीं देखा गया कि कौन से जानवर थे, परंतु उनके द्वारा यह आशंका जाहिर की गई कि हमारे पशुओं को भेड़िये के द्वारा मार दिया गया है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, उसने जांच पड़ताल किया। हालांकि भेड़िये को लेकर स्पष्ट अभी भी डीएफओ का कोई बयान सामने नहीं आया है। उनसे बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो बकरी का शव था उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम के बाद ही आखिर वह कौन सा जंगली जानवर था यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो पाएगा। कुशीनगर में पागल सियार के हमले की खबर सामने आई है, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। लोगों ने भेड़िया समझकर सियार को पीट पीट कर मार डाला। सियार रह गए घर में, एक रह आओ कर बस इनके काटत रह, हम घर में खात रह, जब वजह से झाकत अंतरिया से छोड़ के जाकर छरक का मुंह पर चढ़ के, जब हम कमी तो भूइया गिर गए, जब भूइया गिर गए तो हमार बहनिया आ गए, वो लाठी मारत या लाठी से मारल कोनो फर्क नहीं का पड़ा, तू पट एक बेर तक काट ली गए, दो बेर पटक गए तो कटक गए ना भागत नहीं रहे। भेड़िया का हल्ला हुआ, अब उसी इतने लोग मारे, हम लोग नीचे आए तब तक कहानी खत्म हो गई थी। तो पता चला कि इनको कहीं काट उट लिया है पैर में। बाद में क्या पता चला? सियार जैसे दिखा हो, देखने में तो सियारे लगा था, अब क्या था बस रिपोर्ट। बिजनौर में आदमखोर गुलदार का खौफ जारी है। इसी बीच वन विभाग के पिंजरे में एक और गुलदार के कैद होने से लोगों में दहशत बढ़ गई है। 3 दिन से रोज एक गुलदार पकड़ा जा रहा है। गुलदार के हमले से 26 लोगों की जान जाने का दावा किया गया है। हरदोई में भी आदमखोर सियार का हमला सामने आया है। टड़ियावा इलाके में भेड़िये की आशंका के बीच लोगों ने सियार को मार डाला। इस सियार ने मवेशियों पर हमला किया था। झांसी में भी सियार का हमला लगातार जारी है। लगातार दूसरे दिन हुए हमले से गाता गांव के लोग सहमे हुए हैं। खेत की रखवाली करते किसान पर सियार ने हमला कर दिया था। हम अपने घर को उधर से सब जा रहे थे अपने गांव से शाम के, तो शाम आओ सब कुत्ता है तो हमें लड़का हमें ऊपर चढ़ बैठो बस पर हम लटिया ही लाए थे, फिर उन्हें हमें गुद्ध फिर देखो फिर हम मोड़ा दो फिर उन्हें बचाओ। शाहजहांपुर में खूंखार भेड़िये का खौफ इतना ज्यादा है कि दिल्ली से आए एक लड़के ने राम गंगा नदी में छलांग लगा दी। मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोलाघाट पुल से लड़का गुजर रहा था, इसी दौरान उसे पीछे से भेड़िये की आहट हुई,
और इसी आशंका के बीच लड़के ने आओ देखा ना ताव नदी में छलांग लगा दी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया गया। जंगली जानवरों और इंसानों के बीच इस संघर्ष पर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। सीएम योगी ने इसे चिंता का विषय बताया और इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की बात भी कही। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी ऐसा पहला प्रदेश है जहां जंगली जानवर के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर इस प्रकृति के और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है और इस जीवन चक्र को मानते हुए इसको संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा की श्रेणी में घोषित करते हुए जनहानि होने पर 5 लाख रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था की है। मानव वन्य जीव संघर्ष से जनहानि होने पर या घायल होने पर हम धनराशि देते हैं। फिलहाल जिस तरह से इस वक्त जंगली जानवरों के हमले देखने को मिल रहे हैं उससे सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।